अस्सलामु अलैकुम। दुआ एक ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें ज़ेर हो जाती हैं। बड़े बड़े मसाइल, बड़ी बड़ी मुश्किलें दुआ के सामने कुछ नहीं हैं। अगर इंसान इखलास के साथ और सही वक्त पे अल्लाह के सामने दुआ मांगे तो कोई ऐसी परेशानी है ही नहीं, कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी मुसीबत दुआ के सामने टिक नहीं सकती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछा करते थे कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस वक्त दुआ मांगें जब हमारी दुआ फौरन कबूल हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसे औकात बताएं, ऐसा वक्त बताएं जब कबूलियत के इम्कानात ज़्यादा हों। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ऐसे वक्त बताए, अगर कोई इंसान इन औकात में दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ ज़्यादा कबूल होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो वक्त बताए। फरमाया कि वो दुआ जो रात के आखिरी हिस्से में मांगी जाए। रात का आखिरी हिस्सा तहज्जुद का वक्त, सुबह की आज़ानों से पहले का वक्त, ये वक्त बहुत ही ज़्यादा कबूलियत वाला है। इस वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और ये सदा आती है, ये आवाज़ आती है, कौन है जो मांगे मैं उसे अता करूँ, कौन है जो मेरे सामने दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांगे, तोबा करे, इससे गफार करे तो मैं उसके गुनाह बख्श दूँ, उसे माफ़ कर दूँ, खास ऐलान होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही वक्त बताया, अगर अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआओं को अल्लाह के यहाँ ख़ास मकाम हासिल हो तो रात के आखिरी हिस्से में मांगो, यानी तहज्जुद में मांगो, अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ कबूल करेगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा वक्त कौन सा बताया? फरमाया कि वो दुआ जो फ़र्ज़ नमाजों के बाद मांगी जाए। दिन और रात में हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं? पाँच नमाज़ें। इन नमाज़ों के जो फ़राइज़ हैं, जो फ़र्ज़ हैं, उनके बाद अक्सर लोग छोटी सी दुआ मांगते हैं, कुछ तो मांगते ही नहीं। ये वक्त कबूलियत का है। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, याद रखें, हर नमाज के जो फ़र्ज़ हैं, उन फ़र्ज़ों के बाद अपनी जगह पर बैठे हुए अल्लाह के सामने मांगें, फरियाद करें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें। जो कुछ मांगेंगे वही कुछ अता करेगा, उसके ख़जानों में कमी नहीं आती। आपको वो बहुत कुछ अता कर दे, आपकी झोली भर दे, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरे सामने मांगे तो सही, सही वक्त पे मांगे, सही तरीके से मांगे, मैं उसकी झोली भर दूंगा। तो इसलिए अल्लाह से मांगते रहें, तहज्जुद में भी मांगें, फ़र्ज़ नमाजों के बाद भी मांगें।